हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। पर उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल पर आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है इसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही साथ मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को लीजिए, जिसके लिए आपको हमारे चैनल के इस ज्वाइन वाले बटन को क्लिक करना है और फिर एमकॉम में आकर के आपने इस ज्वाइन बटन को क्लिक करके एक छोटा सा नॉमिनल से फी पेमेंट करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या होगा कि आपको इस ज्वाइन वाले मेंबर के ऊपर क्लिक बटन को क्लिक करके आप छोटा सा मेंबरशिप फी पे करना है। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या? इस मेंबरशिप को लेने के बाद आपको असाइनमेंट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपको असाइनमेंट्स के लिए दौड़ धूप नहीं करनी होगी, आपको बस असाइनमेंट्स लेने हैं और लिखने हैं। दूसरा जो है आपको बहुत ही लो कॉस्ट में नोट्स मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको जो है 40% डिस्काउंट आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी कर रहे हैं प्लीज हमारे चैनल पे आने के बाद जो हमारा प्लेलिस्ट है इसके थ्रू आप स्टडी कीजिए। यहाँ पे आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जिसके अंदर ढेर सारी वीडियोस हैं जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज अबाउट द रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है ना। तो चलिए इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ओके देन, so for good corporate governance we can expect management to provide appropriate direction, achieve goals set for the organization, provide transparency, remain accountable for their actions and protect the interest for of all stakeholders, hai na। to ek acha corporate governance ke liye hum ye manage kar rahe hain things expect kar sakte hain, jo management jo hai wo appropriate directions provide karega aapko, wo jo goals wo achieve karna chahta hai wo set karega, wo transparency provide karega को अकाउंटेबल बनाएगा। जो अपने कामों के लिए जिनको जो काम दिए गए हैं वो अपने काम के लिए अकाउंटेबल होंगे और प्रोटेक्ट करेगा स्टॉक होल्डर्स के इंटरेस्ट को, राइट। दिस रिक्वायर्स एंड अंडरलाइंड बाय एक्सपर्ट्स एनी एंड वेरियस कमिटीज ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस द सिस्टम टू इंश्योर द फॉलोइंग, है ना। तो ये जो मैं एक एक करके अभी आपको बताने वाला हूँ, दीज आर द रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये चीजें मैंने आपको ऊपर में बताई हैं कि डायरेक्शन प्रोवाइड करना, अचीविंग गोल्स को सेट करना, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना, इन सारी की सारी चीजों के लिए आपको एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के होने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं एक एक करके अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट है वो है, देयर इज अ प्रोबेबली स्ट्रक्चर्ड बोर्ड capable of taking independent and objective decisions put at the helm of affairs, है ना। तो एक अच्छा structured board होना चाहिए आपके पास जो कि capable हो decisions को लेने को लेकर, है ना, जो कि independent हो और साथ ही साथ objective decisions को वो ले सके, ऐसी उनमें जो है capability होनी चाहिए। ये सबसे पहला requisite होता है corporate governance के लिए कि जो board है वो properly structured होना चाहिए और उसमें ये क्षमता होनी चाहिए कि वो जो है independent होकर के objective decisions जो है वो ले सके। दूसरा requisite होता है the board has adequate number of non-executive and independent directors। तो board में जब आप काम कर रहे हो, जो board होता है उसमें adequate number होना चाहिए non-executive and independent directors का। जो executive directors होते हैं या dependent directors होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करा जा सकता है किसी तरीके से, बट इस केस में नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते आसानी से, इसलिए इनका होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ठीक तरीके से चलाने के लिए। द बोर्ड इज अवेयर ऑफ द कंसर्न्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स एंड हैज एन इफेक्टिव मशीनरी टू सबवर्ट देयर कंसर्न। तो बोर्ड जो है उसके पास प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि स्टेक होल्डर्स की क्या क्या परेशानियां हैं, किन किन चीजों को लेकर के वो ज्यादा परेशान है, किन किन चीजों से उनको जो है दिक्कत हो रही है, और जब आप इन चीजों के बारे में अवेयर रहते हो तो आप इन चीजों को ठीक करने की कोशिश भी करते हो। तो आप इन सबको सबसर्व करने की कोशिश करोगे उनके कंसर्न को, तो आप एक तरीके से अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप ला पाओगे। फोर्थ नंबर पॉइंट है, द
The board takes well-informed and well-considered decisions and adopts transparent procedures and practices. तो जो बोर्ड होगा वो डेफिनेटली वेल इन्फॉर्म्ड होगा हर एक चीज के बारे में, उनके पास जो है जानकारी बहुत अच्छे तरीके से होगी और वो लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके का डिसीजंस भी लेंगे, वेल कंसीडर्ड डिसीजंस भी लेंगे और अडॉप्ट करेंगे ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो खुश रहें, उनके पास सारी जानकारी जो है पहुंचती रहे। इसके लिए ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, राइट। फिफ्थ नंबर पॉइंट है हमारा, देयर एग्जिस्ट अ प्रॉपर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ क्लियरली एंड एडिक्वेटली डिफाइंड रोल्स, है ना। तो यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जो कि क्लियरली और एडिक्वेटली डिफाइंड रोल्स जो है होने चाहिए सबके, कि आप ये काम करोगे, आप वो काम करोगे, आप ऐसे काम करोगे। सबकी सबकी जो भी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डिफाइंड होनी चाहिए। एक चीफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फिर मैनेजरियल पर्सनल टाइप के जो की पोजिशन पे लोग बैठे हुए होते हैं, उन सब की अकाउंटेबिलिटी आपको सेट करनी है, उन सबको अथॉरिटी आप दे रहे हो, साथ ही साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको सेट करनी है और आप यू नो एडिक्वेटली उनको बताओगे कि आपका ये काम है, आप इस तरीके से इस काम को करोगे, तो ही आपका जो जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस तरीके से हो पाएगा, राइट। तो ये पांचवा रिक्विजिट हो गया। छठा रिक्विजिट है, देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम फॉर गाइडिंग, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल। और किसी भी यू नो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, किसी भी कंपनी में जो है यू नो एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए गाइडिंग का, मॉनिटरिंग का, रिपोर्टिंग का और कंट्रोल का। ओवरऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज दैट द गाइडिंग द मैनेजमेंट एंड ओवरसीइंग द ऑब्जर्वेशंस, तो ऑपरेशंस। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनका मेन काम यही होता है कि वो मैनेजमेंट को गाइड करते रहे कि किस तरीके से काम करना है, साथ ही साथ वो ओवरसी करते रहे ऑपरेशंस को, जो भी मैनेजमेंट जो है कर रहा है उसके बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो है जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो यू नो किसी तरह का डिसीजन अगर उनको लेना हो तो वो ले सके। द बोर्ड इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट द कंपनी हैज नेसेसरी इंफॉर्मेशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है ये इंश्योर करना कि कंपनी के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन है। कंट्रोल एंड ऑडिट सिस्टम इन प्लेस टू गाइड द टॉप मैनेजमेंट इन मीटिंग एंड कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। और यू नो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उनके पास कंट्रोल रहने के लिए एक ऑडिट सिस्टम आपको अच्छे तरीके से प्लेस करना होगा, ताकि जो टॉप मैनेजमेंट है उनके पास जानकारियां पहुंच सके और जो भी यू नो जो भी उनके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स है वो उस मीटिंग में उठा सके और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर डिसीजंस को लिया जा सके, राइट। मैं छह नंबर को और बड़ा नहीं करता, यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ। तीन चार लाइनें और हैं, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये छठा रिक्विजिट है एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। सातवां रिक्विजिट है, द बोर्ड इफेक्टिवली एंड रेगुलरली मॉनिटर्स द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट टीम एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द की डिसीजंस, है ना। तो बोर्ड का काम ये होता है कि वो इफेक्टिवली और रेगुलरली मॉनिटर करता रहे, काम चेक करता रहे। मॉनिटर करने का मतलब यह है कि उनके काम को चेक करना, जो जिस तरीके से मैनेजमेंट काम कर रही है, फंक्शन कर रही है, आप उसको रेगुलरली और इफेक्टिवली आप चेक कर रहे हो और इंप्लीमेंट कर रहे हो। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द की डिसीजंस, जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं उसको इंप्लीमेंट करवाने की आप कोशिश कर रहे हो बाय द मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो कि ये जो डिसीजंस हम लोगों ने लिए हैं इसको आप जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करो, उनको मॉनिटर कर रहे हो उनके फंक्शंस को, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिक्विजिट हो जाता है किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। Now the eighth number point is the board remains in an effective control of company's affairs. तो कंपनी की जो भी अफेयर्स होंगी इनके बारे में बोर्ड को एक तरीके से जानकारी होनी चाहिए और बोर्ड के पास कंट्रोल होना चाहिए इन सारी की सारी चीजों का। So these are the eight you know requisites of good corporate governance. It may be noted that while the most important driver for good corporate governance is the leadership consisting of CEO and the board within the good framework of corporate laws, the other important players are the regulators and investors whose constant vigilance will force the companies to perform and behave well. है ना, तो ये बात नोट किया जा सकता है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्राइवर होता है अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वो होता है एक अच्छी लीडरशिप, जो कि सीईओ प्रोवाइड करती है विद देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक अच्छे गुड फ्रेमवर्क के साथ कॉर्पोरेट लॉज को फॉलो करते हुए, है ना, जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स होते हैं उनका ध्यान में रखते हुए, और जो रेगुलेटर्स होते हैं जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, है ना, जो रेगुलेटर्स हो गए उनका भी एक तरीके से ध्यान रखते हुए, और ये जो लोग होते हैं इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट विजिलेंस में होते हैं, वो कांस्टेंटली आपको बताते रहते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है, आपके ऊपर हमने नजर बना करके रखी है। तो ये एक तरीके से फोर्स करता है कंपनीज को कि वो ठीक तरीके से परफॉर्म कर पाए और ठीक तरीके से बिहेव कर पाए। तो ये नोट किया जा सकता है कि जो सीईओ है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है वो कॉर्पोरेट लॉस के तहत अगर ठीक तरीके से काम करे और जो बाहर के फैक्टर्स है जैसे कि इन्वेस्टर है, रेगुलेटर्स हैं, वो कंपनीज को अगर पुश करें कि वो ठीक तरीके से परफॉर्म करें तो वो डेफिनेटली ठीक तरीके से परफॉर्म करेंगे। बट स्टिल यू कैन टाइप
यू कैन राइट दीज 8 पॉइंट्स व्हिच आई हैव मेंशनड। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्विजिट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ये टॉपिक, और ये क्वेश्चन में कॉमन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके भी हेल्प हो सके, वो भी मार्क्स जो है अच्छे ला पाए एग्जामिनेशन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।